तोहफा तो एक गोड्डा का रेलवे स्टेशन देख रहे हैं जो कि आज़ादी के 70 साल बाद हम लोग को मिला, जो कि बहुत लेट हुआ। और जो सरकार है बीजेपी सरकार की वजह से हमारे गोड्डा में आज रेल देखने को मिला है। आपका आलमगीर आलम इतना 35-40 करोड़ रुपया उनके घर उनके नौकर के पास, आप बताइए कि आलमगीर आलम के पास कितना होगा? हम लोग बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगार नहीं है, नहीं नो। जो विपक्ष बेरोजगारी का आरोप लगा रही है तो वो गलत है, वो अपना रोटी सेकने में लगी हुई है। राम मंदिर बनने से कितना अर्थव्यवस्था ठीक हुआ है ये देखना होगा। मोदी जी का कहना है कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। नमस्कार, द न्यूज पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण का मतदान जो है 1 जून को होना है। आज चुनाव के प्रचार प्रसार का माहौल थम जाएगा, ऐसे में हम गोड्डा लोकसभा सीट पर गोड्डा लोकसभा में जनता से राय जान रहे हैं कि इस बार जनता किसकी सरकार लाने वाली है और किस मुद्दों पर सरकार जनता जो है वोट करेगी। तो सीधे जुड़ेंगे लोगों से और जानेंगे कि अब की बार जनता किसकी सरकार लाने वाले हैं। सर, इस बार आप किस मुद्दों पे वोट कीजिएगा? हम लोग मुद्दों विकास के मुद्दा करते हैं, हम लोग विकास के मुद्दों पे वोट कीजिएगा। विकास के मुद्दा करते हैं। और क्या रहेगी आपके इस बार के इलेक्शन में, हर के इलेक्शन में? हम लोग बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगार नहीं है, नहीं नो। जो विपक्ष बेरोजगारी का आरोप लगा रही है तो वो गलत है, वो अपना रोटी सेकने में लगी हुई है। विपक्ष जो है रोटी सेकने में लगी हुई है। और बात करें, विपक्ष ये आरोप लगा रही है कि भाजपा की जो सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, वो 5 किलो राशन दे के बोल रही है कि विकास होगी। आपको क्या लगता है? पहले पिछले सरकार में वो भी 5 किलो सरकार नहीं मिलती थी, अनाज नहीं मिलती थी लोगों गरीबों के, वो भी राशन कार्ड जो उनके घर में रहा करते थे डीलर के घर में, वो भी हम लोगों को उपलब्ध नहीं होते थे। आजकल तो उपलब्ध ही होता है, भाजपा के राज में उपलब्ध भी हो रहा है, नहीं तो अन्यथा वो भी उपलब्ध नहीं होता था। जैसा कि आपने सुना कि इनका कहना है कि इस बार ये विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे, और भी लोगों से जानेंगे। आप युवा हैं, इस बार आप किन किन मुद्दे पर वोट कीजिएगा? क्या लगता है आपको कौन सी सरकार आपके लिए बेहतर काम कर सकती है? मुद्दा तो सिर्फ विकास का है कि विकास जो हमारे गांव में हुआ है वो हमारे भाजपा सरकार ने की है और बहुत अच्छा विकास है। विकास दिखता भी है क्योंकि आदमी को बहुत कठिनाई होती थी यहाँ से गुजरने में, स्कूल जाने में, या फिर किसी युवा को वृद्ध को अस्पताल जाने में। वो जो विकास है भाजपा किया है हमारे गांव में और यहाँ का वोट भाजपा के नाम पे। ठेला लेके जाते थे, बहुत गरीब आदमी ऐसा अत्यंत गरीब है, लास्ट में ठेला टूट जाया करता था, इतना भर पानी में ठेला पार करता था, स्कूल के बच्चे स्कूल नहीं जाया करते थे क्योंकि उसका साधन नहीं थे पढ़ने के। अभी जितना भी बच्चे पूरा स्कूल जाते हैं, बूढ़ा वृद्ध जाके स्कूल बाजार घूरते हैं, तो एक भी बच्चा नहीं घूर पाता। आपका कहना है कि सरकार ने सड़क बनाया है तो यहाँ इस क्षेत्र का विकास हुआ, पहले बैलगाड़ी से आदमी जाते थे, सड़क नहीं, नहीं। झारखंड में आप देखिए, देवघर में एम्स बना, एयरपोर्ट बना, हम लोग कहीं भी जाएंगे तो हम लोग को हर एक सुख सुविधा। सबसे बड़ा तोहफा तो एक गोड्डा का रेलवे स्टेशन देख रहे हैं जो कि आज़ादी के 70 साल बाद हम लोग को मिला, जो कि बहुत लेट हुआ। और जो सरकार है बीजेपी सरकार की वजह से हमारे गोड्डा में आज रेल देखने को मिला है। गोड्डा में जो है रेल देखने का गोड्डा में जो रेल देखने को मिला है। और भी युवा हैं, इनसे बात करेंगे कि इस बार जो है विपक्ष आरोप लगा रही है कि जब से एनडीए सरकार बनी है बेरोजगारी चरम पर है, इस बार बेरोजगारी भी चरम पर है। आप क्या कहेंगे? बेरोजगारी तो चरम सीमा पे चढ़ ही गए हैं, हर चीज़ का महंगाई भी बहुत बढ़ गए हैं। ऐसा नहीं है 5 केजी ठीक है कि वह चावल दे रहे हैं, लेकिन ये भी देखिए कि 5 केजी चावल का दाम 150 रुपया, लेकिन हम 5 लीटर डीजल या पेट्रोल लेने जाते हैं तो कितना 500 रुपया वो ले रहे हैं। 75 से कितना 100 पे चले गए हैं, 125 तो वो हमसे ले रहे हैं, और मान के चलिए कि 5 लीटर पेट्रोल में महीना ख़त्म नहीं होते। तो इस बार आप किस मुद्दे पे वोट कीजिएगा? हम इस बार तो बेरोजगारी में करेंगे और उसके बाद लोकल पे देंगे, लोकल पे इस बार होगा, इस बार लोकल पे जी। अच्छा, ठीक है। और भी इनका साफ तौर पर कहना है कि ये लोकल पे वोट करेंगे। अभी हम आपसे बात करते हैं जी, आप बताइए कि इस बार निशिकांत दुबे 15 साल से यहाँ पे सांसद हैं और प्रत्याशी जो है प्रदीप यादव हैं, तो किनका कार्यकाल आपको सबसे बेहतर लगा? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। जहाँ तक रही विकास की बात, आज हमारे मोदी जी ने इतना विकास किया है क्षेत्र में ही नहीं पूरे भारत में। आज कोई भी आप ले लीजिए, गरीबों के लिए वो इतना काम किए हैं
कि बताने की इसमें बात नहीं है। जहाँ तक रही सुविधा, आज हमारे देवघर में जो है एम्स आ गया है। 75 साल के बाद जो है किसी ने गोड्डा जिला में ट्रेन नहीं देखा था। आज हमारे गोड्डा जिला में माननीय सांसद जी के द्वारा आज गोड्डा में ट्रेन देखने के लिए मिल रहा है। आज यहाँ तक ले लीजिए आप जाकर के ITI कॉलेज, सैनिक कॉलेज, जहाँ तक रही मेरे गांव की बात, ये जो पुल है, ये पुल माननीय निशिकांत दुबे जी और मोदी जी की देन है। आज आप देख लीजिए सामने पड़ा हुआ है, सामने में रोड, यहाँ पर हाईवे रोड भी बन रहा है। ये सब विकास माननीय मोदी जी का है। जहाँ तक रही गरीबों की बात, गरीबों को आज आयुष्मान कार्ड, वृद्धा पेंशन, आपका जो है राशन, किसी भी क्षेत्र में आप जाइए तो मोदी जी काम बढ़िया से कर रहे हैं। इसलिए कि हम लोग मोदी जी के विकास पर हम लोग वोट दे रहे हैं। आपकी बार किसकी सरकार मोदी जी की। इनका कहना है कि अब की बार ये मोदी जी की सरकार। चाचा क्या नाम है वो आपका? परमेश्वर। यही के रहने वाले हैं? इस बार किसको वोट कीजिएगा, किस मुद्दे पे वोट कीजिएगा चाचा? मोदी को। क्या किए हैं आपके लिए मोदी? बहुत कुछ किया है। यहाँ के जो प्रत्याशी हैं प्रदीप यादव जी और इंडिगट जो हैं विपक्ष के लोग, उनका कहना है कि मोदी जी सिर्फ राशन बांट रहे हैं, विकास के नाम पे कुछ नहीं कर रहे। आपको क्या लगता है? तो हमको मालूम है ना क्या बांट रहा नहीं है। वो गरीबों को बचा रहा, जोग रहा, जान बचा रहा, इज्जत बचा रहा, वो तो उनको नहीं देख रहे। बारिहात में कैसे देगा? यहाँ के जो स्थानीय, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो विकास के मुद्दे पर बात करेंगे हम उनसे बात करें, उन्हीं को मतदान करेंगे। सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है मधुसूदन शाह जी। आपकी क्या राय है इस बार, किस मुद्दे पे आप वोट कीजिएगा? हम लोग विकास के नाम पर जो है वोट करेंगे। विकास के मुद्दे पर वोट कीजिए जी। विपक्ष का आरोप है कि यहाँ पे आपके गोड्डा में अडानी पावर प्लांट लगाया गया लेकिन यहाँ के स्थानियों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। कहाँ तक, क्या ये सही है? सही नहीं है। रोजगार तो अडानी का जो है खुला है, यहाँ का जो है बेरोजगार है वो रोजगार मिल रहा है। अब जितना जो क्वालिफिकेशन है, जो पढ़ा लिखा है, उसके स्तर से जो है काम मिल रहा है। और क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस बार आपके? आपके गोड्डा में बिजली की काफ़ी ज़्यादा समस्या है, पावर प्लांट से नज़दीक है जी, उसका समस्या जो समाधान हो रहा है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। ये आपका पुल है, प्लस जो है राशन है, कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। हम लोग विकास के नाम पर जो है वोट कर रहे हैं। बिजली की समस्या जो वो राज्य सरकार की है। जब संसद में सब पारित हुआ था, जो 75% देगा वो बांग्लादेश को, आप 25% गोड्डा को, या तो राज्य सरकार की सप्ताह है ना। राज्य सरकार तो बोल रही है कि गोड्डा को फ्री में देना चाहिए था, तो क्यों नहीं दे रहा? वो तो राज्य सरकार की है, ये तो संसद का नहीं आता इसमें, है ना। ये राज्य सरकार की है, राज्य सरकार इसमें पैसा पेमेंट करे तब ना हम लोग को लाइन मिलेगी। वही विपक्ष का कहना है कि यहाँ से आपके प्रत्याशी जो है निशिकांत दुबे, गोड्डा में जो पावर प्लांट लगा है अडानी का, तो यहाँ के जनता को, यहाँ के लोगों को फ्री में देना चाहिए था। फ्री देंगे लेकिन इसमें शर्त है ना, बांग्लादेश से पैसा ले रहा था, यहाँ भी तो पैसा चाहिए राज्य सरकार को। राज्य सरकार कुछ पैसा दे, 10% भी दे, यहाँ बिजली मिलेगी, ठीक है, 24 घंटा बिजली मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? कांग्रेस जो है तो कांग्रेस अपने मुद्दे पे क्यों नहीं बोलता है? उनका जो भ्रष्ट जाकर के सरकार, जैसे अभी मान लिया जाए कि अभी आपका मुख्यमंत्री जी आज जेल में है, क्यों जेल में है? आपका आलमगीर आलम इतना 35-40 करोड़ रुपया उनके घर के नौकर के पास, आप बताइए कि आलमगीर आलम के पास कितना होगा? अब वो अपने मुद्दे पर, अपने पार्टी के मंत्री के बारे में क्यों नहीं कुछ मुद्दा कहीं पर बोलते हैं? आपको क्या लगता है लोकसभा के चुनाव में हेमंत सोरेन की जो गिरफ्तारी हुई है, आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हुई है, एक मुद्दा बन पाएगा? मुद्दा है क्या? मुद्दा क्या? मुद्दा यही है कि मतलब आम गरीबों का वो जो है पैसा हड़प कर, आप आज देख लीजिए, आप साहबगंज में वो जो पहाड़ बेच करके, नदी का बालू बेच करके, गिट्टी बेच करके, वो सब पंकज मिश्रा, हाँ, दाऊद यादव, ये सब क्या माफिया है? राज्य सरकार की माफिया है। गोड्डा में इंडी क्या हो रहा है? यहाँ पे गोड्डा में इंडी का गिरफ्त में आ गया संजीव वस्त्रालय, क्यों है? वो भी आलमगीर आलम से मिला हुआ, जुड़ा हुआ है। क्या लगता है कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो ये सब माफियागिरी खत्म हो जाएगी? भ्रष्टाचारियों को वो जेल में जाएगी, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं। मोदी जी का कहना है कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, जो जिसने पाप किया है उसको सजा मिलेगा।
जैसा कि आपने सुना कि इनका साफ तौर पर कहना है कि ना अगर भाजपा की सरकार बनती है तो ये विपक्ष के जितने भी हैं जो माता की अभी और भी आपसे भी बात करेंगे, आप बताइए इस बार किन मुद्दे पे आप वोट कीजिए? विकास के मुद्दे पर। विकास के मुद्दे पर आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है। विकास हुआ है, ठीक है। और बेरोजगारी पर क्या कहिएगा? बेरोजगारी कुछ नहीं है, बेरोजगारी एकदम नहीं है, कुछ भी नहीं। लेकिन विपक्ष आरोप लगा रही है कि आपके क्षेत्र में जो भारत में इस पर बेरोजगारी चरम पर है। वो क्या करेगा, उसको तो झूठा झूठा बोलना है। 70 साल से बेरोजगारी ही है ना। हम लोग क्या करते हैं, आइसक्रीम बेच करके अपना जीवन वास कर रहे हैं। हम लोग तो बेरोजगार हैं। हम लोगों को एक मिनट, ये जो है आज ये बोलता है कि हम बेरोजगार हैं। देखिए इनका ये दुकान है, वो देखिए आइसक्रीम का ये है। नदी में जब पानी रहता था तो इनको कितना कष्ट होता था। आज माननीय संसद जी के द्वारा, माननीय मोदी जी के द्वारा यदि पुल हो गया है तो देखिए आज कौन आ रहा है जा रहा है। आज हमारा कहना, आप बताइएगा आपके क्षेत्र में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? कोई राजा बन गया है क्या? किसी का घर में कोई राजा नहीं सुविधा हुआ हमारे लिए। आप अगली बार किसको आप अगली बार किस मुद्दे पे? विकास के मुद्दे में विकास को ही वोट देंगे हम लोग। हाँ ठीक है, इनका साफ तौर पर कहना है कि विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे, ठीक है। सर अपना नाम बताइएगा। रमेश कुमार सिंह नाम है। यही के रहने वाले आप? बगल के हैं। इस बार आप किस मुद्दे पे वोट कीजिएगा? विकास के मुद्दे पे वोट करेंगे। आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है। हमारे गांव में तो जंक्शन भी बन रहा है, 4 लेन दिया होके दियरा से गुजरा है, सब लोगों को उससे फायदा हुआ है। और आप किसकी सरकार देखना पसंद करेंगे? हम लोग तो मोदी जी 400 पार हैं। अब की बार लग रहा है आपको 400 पार? विपक्ष तो कह रही है कि 400 मिली 400 पार है, यहाँ 9 लाख भी पार का संभावना हो रही है और हो सकता है मैं भी हो जाए। यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, यहाँ का बच्चा आज के डेट में हर बच्चे के घर से सुनिएगा बोलेगा मोदी जी। पहले के युग में बड़े लोग नहीं समझते थे मोदी जी, अभी हर छोटा बच्चा 3-4 साल का भी बच्चा बोलेगा मोदी जी जिंदा। आपके कहने हैं कि मोदी जी जब से आए यहाँ के बच्चे में विकास है और हर जगह विकास है। आज यहाँ बगल में पुल आपको मिलेगा, डेवलप का हर चीज जो होता है वो हो रहा है, हर जगह हो रहा है, ठीक है। इनका साफ तौर पर बेसिकली कहना है कि जो विकास करेंगे हम उन्हीं को वोट करेंगे। अभी और भी हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुमंत कुमार सिंह हुआ। सर अब की बार किसकी सरकार? अगली बार मोदी सरकार। क्या कारण क्या? विकास हुआ? विकास 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 विकास, दूसरा कोई कारण नहीं। विकास किसको बोला जाता है वह माननीय मोदी जी ने दिखलाया और हमारे माननीय डॉक्टर निशिकांत दुबे सांसद महोदय ने दिखाया कि विकास किसको बोला जाता है। विकास किसको बोला जाता है? हाँ क्यों, आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ? बहुत विकास हुआ है, क्या नहीं हुआ है? देखिए मेरे क्षेत्र में रेलवे 1 साल के अंदर 13 ट्रेन चलने लगी, देश का कोना कोना से ट्रेन यहाँ खुलने लगी। हाईवे आपका ये पुल देखिए, ये पुल हो जाने से पूर्वी का आधा दूरी कम हो गया। ये सब क्या है? एम्स देखिए, एयरपोर्ट देखिए, क्या नहीं किए डॉक्टर निशिकांत दुबे ने। इस बार कितने मतों से जीतेंगे निशिकांत दुबे? इस बार 9 लाख पार। 9 लाख पार इस बार 9 लाख पार। विपक्ष जो बोल रही है इस बार इनको गंगा पार किया जाएगा, वो तो 4 तारीख को पता चलेगा। 4 तारीख को? वो तो 4 तारीख को पता चलेगा। सर बताइएगा आपका नाम क्या हुआ? सर कृष्ण कन्हैया मेरा नाम हुआ। कृष्ण कन्हैया जी इस बार किस मुद्दे पे आप वोट कीजिएगा? विकास और सिर्फ विकास। अब की बार तब किसकी सरकार? मोदी की सरकार। क्या गारंटी है कि मोदी की सरकार बनेगी? मोदी की ही गारंटी है, मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। आज पूरा मोदी जी का ऐसा कुछ काम जो मोदी जी, विपक्ष कह रही है कि राम मंदिर बनाना, 5 किलो राशन देना, ये कोई विकास नहीं होता है। जी जी, राम मंदिर बनने से पूरा अर्थव्यवस्था चेंज हो गया है, पूरा विश्व देख रहा है कि भारत उभरता हुआ विश्वगुरु बनने जा रहा है। राम मंदिर बनने से कितना अर्थव्यवस्था ठीक हुआ है ये देखना होगा आपको। कितना अर्थव्यवस्था ठीक हुआ? विपक्ष कह रही है कि कुछ अर्थव्यवस्था ठीक नहीं हुआ, सिर्फ अपनी वाहवाही लूटी जा रही है। विपक्ष का काम है क्रिटिसाइज ही करना। विपक्ष को क्या कहता है ना, आमला वो कोई सोया हुआ है ना, तो उसको आप जगा सकते हैं। जो सोने का अगर कोई नाटक करता है उसको आप जगा नहीं पाइएगा। बात अगर आपके लोकसभा सीट की करें, गोड्डा में क्या क्या विकास हुआ? एम्स है, पावर प्लांट है, अडानी पावर प्लांट है, 4 लेन है, बगल में कन्हारा का पुल, जिस पुल से आप क्रॉस किए हैं, ये विकास है। आज आपको गोड्डा का तो बात छोड़िए, आप कन्हारा चौक जाइएगा तो लगेगा कि कहाँ आ गए हैं आप।
13-13 ट्रेन, जहाँ एक भी ट्रेन नहीं था 13-13 ट्रेन हर जगह गोड्डा से हर जगह ट्रेन खुल रही है, ये है विकास। अभी बाहर के लोग जो आते अभी हैं जो है यहाँ के बाहरी लोग जो आते हैं एयरपोर्ट के सहारे आते हैं। एयरपोर्ट किसकी देन है? डॉक्टर निशिकांत दुबे का देन है। निशिकांत दुबे आप आते संभवता यही बताइए संभवता को भी संभव। हेलो, जैसा कि आपने सुना कि इनका साफ तौर पर कहना है कि जो इनके क्षेत्रों का विकास किया जाएगा उन्हीं को ये मतदान करेंगे। फिलहाल आज शाम 5 बजे के बाद मतदान का प्रचार प्रसार पूरी तरह से थम जाएगा, तो हमारी टीम जो है गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर जाकर जनता की क्या राय है, जनता किस मुद्दे पर वोट करेगी, आपके तक पहुँचाने के प्रयास करेंगे। फिलहाल अपने सहयोगी संतोष के साथ आदित्य, द न्यूज़ पोस्ट, गोड्डा।